पिछले वीडियो में हमने फास्टर 3D प्रिंटर्स देखे रेंजिंग फ्रॉम डेस्कटॉप टू इंडस्ट्रियल ग्रेड। उनमें हमने क्लिप 3D प्रिंटिंग मेंशन किया था और आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। सो वेलकम टू रीडिफाइंड। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। क्लिप 3D प्रिंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कार्बन 3D ने बनाई है। ये कॉन्सेप्ट एक टेड टॉक जो जोसेफ एम डी सिमोन ने दिया था इसके वजह से बहुत फेमस हुआ था। ये टेक्नोलॉजी 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी और कुछ महीने बाद ही ये कमर्शियली अवेलेबल हो गई थी। इस कंपनी में गूगल ने भी $100 मिलियन इन्वेस्ट किए थे जिससे वो और भी फेमस हो गई थी। क्लिप विच स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस लिक्विड इंटरफेस प्रोडक्शन उसके फोटोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर एम्फेसिस करता है रादर देन द मैकेनिकल प्रोसेस, जिसके वजह से ये ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से अलग है। ये SLA से सिमिलर है बट इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ट्रेडिशनल SLA प्रिंटिंग में रेजिन को FEP शीट के थ्रू UV लाइट से पास करके क्योर किया जाता है, फिर बाद में वो बेड उस प्रिंटेड पार्ट को अनस्टक करने के लिए ऊपर जाता है और फिर से नीचे रेजिन फ्लो होकर वो बेड फिर से नीचे आके लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट प्रिंट होता रहता है। जबकि क्लिप 3D प्रिंटिंग में एक UV ट्रांसपेरेंट ऑक्सीजन परमेबल विंडो होती है जिसके ऊपर लिक्विड रेजिन बात होता है। विंडो ऑक्सीजन परमेबल होने की वजह से उसमें से ऑक्सीजन पास होकर एक डेड जोन बन जाता है जिसमें कोई रेजिन क्योर नहीं होता। डेड जोन के इमीडिएटली ऊपर लेयर बाय लेयर मटेरियल क्योर होता रहता है। डेड जोन की थिकनेस ह्यूमन हेयर जितनी होती है। नॉर्मल SLA प्रिंटिंग के जैसे यहाँ प्रिंट FEP पे स्टिक नहीं होती जिसके वजह से बेड को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, जिसके वजह से ये प्रिंट प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। प्रिंट होने के बाद मटेरियल को डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ देने के लिए थर्मल क्यूरिंग भी की जाती है। कार्बन 3D ने अब तक 3 प्रिंटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, M1, M2 एंड L2। हर प्रिंटर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट बिल्ड वॉल्यूम। इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल अवेलेबल है, जैसे बायो कंपैटिबल मटेरियल जो मेडिकल सेक्टर में यूज़ होते हैं। इसमें मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ इंजीनियरिंग एप्लीकेबल के लिए सूटेबल होने के लिए बनाए गए हैं, विच आर सिमिलर टू इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीयूरीथेन। यहाँ आपको उन सब मटेरियल्स की लिस्ट मिल जाएंगी फ्रॉम इंजीनियरिंग ग्रेड टू मेडिकल यूजेस। सो ये था वीडियो रिगार्डिंग क्लिप 3D प्रिंटिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।